नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष झवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर। और आज का हमारा टॉपिक होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों, वैसे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत सारे नियम हैं। इन सभी नियमों को अगर याद करते हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही आसान है। ओके, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल्स नियमों के जरिए सीखते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। ओके, तो हम एग्जाम्पल नंबर वन सीखते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। केतन सेज, या कहेंगे केतन आस्क, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। श्याम सेज, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। केतन आस्क, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने प्रश्न को समझ लिया। अब आंसर लिखते समय सबसे पहले हमें यह तय करना है कि बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है। यहां पर केतन और श्याम दोनों के बीच में बात हो रही है। सबसे पहला वाक्य बोलने वाला केतन है, तो सुनने वाला कौन होगा, श्याम। सबसे पहला वाक्य केतन बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग, यानी ये जो सबसे पहला जो वाक्य है वो प्रश्न वाक्य है। और दोस्तों, याद रखें, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा प्रश्न वाक्य बोला जाए तो बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में आस्क्ड का उपयोग होता है। अगर वाक्य विधान वाक्य है तो सेड या टोल्ड का उपयोग होगा, लेकिन यहां पर प्रश्न वाक्य होने की वजह से बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में आस्क्ड आएगा। अब प्रश्न वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक WH वाला प्रश्न वाक्य और दूसरा बिना WH वाला प्रश्न वाक्य। अगर प्रश्न वाक्य WH का है तो बोलने वाले और सुनने वाले के बाद WH खुद आएगा। अगर प्रश्न वाक्य बिना WH वाला होता तो संयोजक के रूप में हम इफ का उपयोग करते। ओके, तो फिर से यहां पर बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में आस्क्ड और व्हाट WH वाला है, इसलिए WH खुद बोलने वाले और सुनने वाले के बाद आएगा। अब दूसरा नियम है, प्रश्न वाक्य को विधान वाक्य में बदलो और प्रश्न वाक्य बाकी रहा आर यू डूइंग, उसका विधान हो जाएगा यू आर डूइंग। अब यू दूसरा पुरुष है, यानी सुनने वाले के लिंग वचन अनुसार परिवर्तन करेंगे। बोलने वाला केतन है तो सुनने वाला कौन होगा, श्याम, और श्याम लड़का है इसीलिए यू आर डूइंग उसके बदले यू के बदले हो जाएगा ही। एम इज आर का हो जाता है वॉज या वर, ही के साथ क्या आएगा, वॉज, और डूइंग तो वही रहेगा। यानी दूसरी तरह से ये भी याद रख सकते हो, आर डूइंग यानी चालू वर्तमान काल है तो उसका चालू भूतकाल करेंगे यानी वॉज डूइंग हो जाएगा। दूसरा जो वाक्य है वो श्याम के द्वारा बोला जाता है, केतन ने जो प्रश्न पूछा श्याम ने उसका उत्तर दिया। कि केतन ने पूछा था कि तुम क्या कर रहे हो, तो श्याम ने उसका उत्तर दिया कि आई एम रीडिंग अ बुक। तो श्याम सेड दैट, यहां पर सेड के बदले हम लिख सकते हैं रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। श्याम रिप्लाइड दैट, यहां पर संयोजक के रूप में दैट आएगा। प्रश्न वाक्य में व्हाट का उपयोग किया था और विधान वाक्य में दैट का उपयोग है। और दूसरी बात, यहां पर जो सेड लिखा हुआ है वो सेड बोलने वाले
और सुनने वाले दोनों का अगर नाम बताया होता तो सेड के बदले टोल डाता, लेकिन सिर्फ बोलने वाले का नाम है इसीलिए सेड का उपयोग होगा। दोनों जवाब सही होंगे। अगर आपने इसके बदले लिखा होता श्याम टोल्ड केतन दैट तो भी सही होता, लेकिन यहाँ पर सुनने वाले का नाम नहीं है इसीलिए श्याम सेड दैट। अब जो जवाब है आई एम रीडिंग अ बुक, आई किसके लिए है? बोलने वाले के लिए। बोलने वाला श्याम है और वह ही है यानी लड़का है, इसीलिए आई एम का हो जाएगा ही वॉज, रीडिंग अ बुक वही रहेगा। एम रीडिंग यानी चालू वर्तमान काल, उसका हो जाएगा चालू भूतकाल। और लास्ट में वापस केतन के द्वारा प्रश्न पूछा गया है इसीलिए केतन आस्क्ड हिम। जब बोलने वाले की बात कही हो तो सुनने वाले जब कौन है वो अगर पता चल जाता है तो नाम के बदले सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, इसीलिए केतन आस्क्ड हिम। अब जैसे पहला जो वाक्य था वो WH वाला था इसीलिए हमने WH खुद लगाया था, और बिना WH का होने की वजह से यहाँ पर इफ का उपयोग होगा। ओके, केतन आस्क्ड हिम इफ। अब प्रश्न वाक्य को विधान वाक्य में बदल दो, और प्रश्न वाक्य है कैन यू हेल्प मी, तो उसका हो जाएगा यू कैन हेल्प मी। यू यानी दूसरा पुरुष, इसीलिए श्याम, और श्याम लड़का है तो ही आएगा, और कैन का हो जाएगा कुड। हेल्प मी इसके बदले होगा हेल्प हिम। यू किसके लिए था? श्याम के लिए, इसीलिए ही हुआ। और मी किसके लिए था? केतन के लिए, इसीलिए हिम हो गया। क्लियर? अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। रोहन सेज आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। विभा आस्क व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? रोहन सेज आई हैव फीवर एंड हेडेक, मुझे बुखार और सिर दर्द है। यहाँ पर रोहन और विभा के साथ बातचीत हो रही है। यहाँ रोहन लड़का है और विभा लड़की। अब हर एक वाक्य में बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है इसको अच्छी तरह से ध्यान में रख कर सर्वनाम का उपयोग करना होगा। सबसे पहला वाक्य रोहन के द्वारा बोला जाता है। रोहन बोलने वाला है तो सुनने वाला विभा, और प्रथम वाक्य विधान वाक्य होने की वजह से यहाँ पर बोलने वाले के बाद सेड का उपयोग किया गया है। अगर यहाँ हमने ऐसा लिखा होता रोहन टोल्ड विभा दैट तो भी सही होता, क्योंकि पहले एग्जाम्पल में हमने सीखा कि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों की बात की हो और पहला वाक्य विधान वाक्य है तो बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में टोल्ड लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ बोलने वाले की बात की इसीलिए सेड लिखा गया है। ओके, और संयोजक के रूप में दैट। रोहन के द्वारा बोला गया वाक्य आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो आई किसके लिए है? प्रथम पुरुष यानी बोलने वाले के लिए, और बोलने वाला रोहन लड़का है इसीलिए ही का उपयोग होगा। एम नॉट फीलिंग वेल, एम इज आर का हो जाएगा वॉज वर, तो ही के साथ क्या होगा? वॉज। नॉट फीलिंग वेल वही रहेगा। दूसरी तरह ये बोल सकते हैं एम फीलिंग यानी चालू वर्तमान काल,
उसका हो जाएगा वॉज फीलिंग, यानी चालू भूतकाल। अब विभा के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए विभा आस्क्ड हिम। प्रश्न वाक्य होने की वजह से बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में आस्क्ड। जब बोलने वाली विभा है तो सुनने वाला कौन होगा? रोहन। और रोहन के बदले सर्वनाम हिम का उपयोग हुआ है। अब प्रश्न वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक WH वाला और दूसरा बिना WH का। यहां पर प्रश्न वाक्य WH का है, इसीलिए संयोजक के रूप में खुद WH का उपयोग होगा। इसीलिए वाक्य होगा विभा आस्क्ड हिम व्हाट। अब बाकी का जो शब्द है हैपन्ड, वो सादा भूतकाल में है। और नियम है सादा भूतकाल का पूर्ण भूतकाल करें, और पूर्ण भूतकाल बनाने के लिए हेड के साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है, यानी क्रियापद का तीसरा रूप। और क्रियापद है हैपन्ड, इसीलिए हेड हैपन्ड हो जाएगा। सादा भूतकाल का पूर्ण भूतकाल, और पूर्ण भूतकाल यानी हेड प्लस V3। ओके, और अंत में वाक्य है रोहन के द्वारा बोला गया। जब विभा ने प्रश्न पूछा तो रोहन के द्वारा बताया गया वाक्य विभा के प्रश्न का जवाब होगा, इसीलिए रोहन रिप्लाइड दैट। उत्तर देने के लिए रिप्लाइड शब्द का उपयोग होता है, रोहन रिप्लाइड दैट। आई हैव फीवर एंड हेडेक। आई मतलब बोलने वाले के लिए, रोहन है तो ही, हैज या हैव का होगा हैड। फीवर एंड हेडेक तो वो ही रहेगा। ओके दोस्तों, आपको ये दो एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे और बहुत सारे नियम भी समझ में आए होंगे, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के और सारे नियम भी है जो और एग्जाम्पल के जरिए हम दूसरे पार्ट में सीखेंगे।